हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लावण्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लावण्या ऑसम वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, आज ना मेरा रिजल्ट था तो मेरे ऑलमोस्ट 90% आए। तो अभी हम मतलब बारहवीं अभी स्कूल में है, और जब वो आएगा हम उसे प्रैंक करेंगे कि मैं फेल हूँ, मतलब लाइक वील प्रैंक की 2% से रह गई, ठीक है 2% से है, 1% मान लेता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने उसको कहा था मेरे पेपर गंदे हुए, एक्चुअली हुए थे गंदे हुए तो, और मैं सिर्फ आरुल को नहीं, अपने मम्मी पापा छोड़ के घर में सबको प्रैंक करूँगी। तो चलो हम पहले शिकार की तरफ चलते हैं, वो मेरा बड़ा भाई और मेरी दीदी और मेरी ताई। तो चलिए चलते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के मिलती हूँ। हेलो राहुल, क्या हाँ भाई, एक बात बताऊँ, बहुत गंदे मार्क्स आए यार, मैं फेल हो गया। मैंने कब बताई मत, प्लीज भाई देख। फ्रेंड्स, इसको पता चल गया, मैंने जब अपनी दादी को बताई तो दूसरा शिकार ढूंढता है यार, ये प्रैंक फेल हो गया। हेलो दीदी, हेलो ताई, आपको एक दुख वाली बात बताऊं? खुशी की बात ही नहीं है ना ताई, फेल हो गई। हाँ इसमें कसम से, सच्ची में बताने से भी डर लग रहा है। बस दीदी एक नंबर से रह गई, एक नंबर भी नहीं दिया गया टीचर से, 31 रीटेस्ट लेंगे, रीटेस्ट लेंगे। और यूँ कह रहे हैं अगर उसमें 70 अबव नहीं आया ना तो प्रमोट नहीं करें। सच्ची में, अरे क्योंकि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल नहीं हूँ, मेरे परसेंट थोड़े से रह गए, मैंने बस एक इंग्लिश में पास हूँ और एक हिंदी में पास हूँ। ऐसे करने लगे ना तो फिर कुछ ना होगा, तो स्कूल चल ले ना। अरे कुछ ना, हाँ बता, दुखी हो रही कम था तो बहुत कम परसेंट आए ना, कोई बात ना, कोई ना बुद्धि परसेंट आना। झटका नहीं लगा सुनते ही, जब मेरे हाथ में आंध छूटा है ना, ना मैं नहीं मान रही। मैंने बोला कि मैम एक नंबर यहाँ पे पड़ेगा, नहीं मान रही। यूँ बोले कि उनकी भी आंध सीट चेकेंगे वो वहाँ पे, तो नहीं बोला। अब यहाँ से बोले कि देखेंगे अगर टीचर से बात होंगे तो बढ़ा के पास तीन सब्जेक्ट में चाहिए। मैथ में तो बहुत ही कम है, प्रैंक था, 90% आए। तो ये प्रैंक तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब वाव, मतलब आप समझ गए थे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रैंक गया, मतलब देवर फर्स्ट बिलीविंग कि मैं सही में फेल हूँ। और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि प्रैंक देन टू आई प्रैंक देन कि थैंक्स में फेल हूँ, बट नहीं हूँ, मतलब समझ गए हो गए। बहुत अच्छा प्रैंक था, और अभी अभी आरुल आने वाला है तो उसका वेट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी और उसको प्रैंक करेंगे। और उसके साथ मैं SST साइंस और आइडिया प्रैंक करूँगी, क्योंकि
उसे पता है कि मैं SST मतलब मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे बिकॉज मैं मैथ के पेपर में बहुत खुश थी और मैं वहाँ पे ये भूल गई थी कि मैं सबको मैंने सबको कहा था कि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा हुआ है तो फिर कोई बिलीव नहीं करेगा बट इस बार मैं नहीं करूँगी। इस बार मैंने कहा था कि मेरा SST का गंदा हुआ, साइंस का गंदा हुआ और IT का मैंने कहा था कि मतलब IT में पढ़ती नहीं गई थी इतनी ज़्यादा, मतलब एक ही दिन पढ़ा था मैंने, मेरा वैसे बहुत अच्छे नंबर है मेरे IT में, तो उसके बाद ही प्रैंक करेंगे। और अभी तय घर को तो इसलिए यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेली थी, अगर मम्मी पापा बोलते तो हो जाता, तो आरुल को मम्मी पापा भी बोलेंगे, है ना, बोलोगे ना, हाँ कह रहे हैं वो इशारों में, तो उसके आते ही देखते हैं क्या होगा। तो बाय फ्रेंड्स, आरुल जस्ट आने वाला है, 5 मिनट्स रह गई हैं, तो अभी मैं गंदी सी शक्ल बना लेती ताकि उसे यकीन हो कि मेरे गंदे मार्क्स हैं, तो लेट्स वेट फॉर हिम। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर हिम, उसकी बस शायद आ गई होगी, तो मैं जाती उसको बोलूँगी कि मैं फेल हो गई हूँ एंड इफ ही विल नॉट बिलीव देन आई विल से कि चाहे तो मम्मी पापा से पूछ लो, वो आ गया नहीं, वो नहीं था, वो आने ही वाला है, तो चलो चलते हैं। लेट्स गो। आया मम्मी, आने वाला है, चलो लेट्स गो। और मैं फ़ोन को थोड़ा नीचे कर लूँगी ताकि उसे मेरे पे शक ना हो और एल वो समझ जाए क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ उसके बाद। सो लेट्स वेट हेयर, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, मिट्टी मत देखो, ऊपर ऊपर का देखो। लेट्स वेट। तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी प्लान बनाया है, मैं आरुल को फेल होने के लिए बोलूँगी, तो जब वो कंफर्म करेगा तो मम्मी ऐसे बोलेगी, मतलब जैसे नॉर्मली सच्ची में डांटेगी मेरे को, तो उसे यकीन हो जाएगा, तो वेट करते हैं। एंड या फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि अगर मैं उसे नॉर्मली जाके कह दूँगी आरुल मैं फेल हो गई, तो ही नॉट बिलीव मी, पक्का है वो नहीं बिलीव करेगा, मतलब बोलेगा कि तू झूठ बोल रही है ये वो, तो अगर उसने मेरे से आके पूछा ना तो देखते हैं। वैसे मैं नॉर्मली हमेशा उसके लिए यहाँ वेट करती हूँ, तो उसे शक नहीं होना चाहिए, है ना। सो लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है। फ्रेंड्स बस आ गई है, आई एम सो एक्साइटेड यार, आ रहे हो, सो लेट्स वेट। मैं कैसे झुकाऊँ कैमरे को, वो आते ही फ़ोन मांगेगा एंड कहीं ना पूछा तो उसने मेरी बेइज्जती, तो वेट करते वो आ रहा है, थोड़ा सैड हो जाते हैं, नहीं तो पिंकी पो बना देगा हमारा, वो पूछेगा नहीं क्यों, चल छोड़, तो अगर कोई याद ही नहीं आज क्या था तो क्या ही कर सकते हैं, क्या था बता, तू बता, अरे उसके अलावा कुछ ऐसा था मतलब, तू तेरा आंसर शीट, हाँ तू सोच भी नहीं सकता मेरे कितने मार्क्स आए हैं, एनी आइडिया यार, बताने से डर लग रहा है यार, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई, सच्ची में पूछेगा नहीं क्या यार, जाके ना कोई ऐसा काम मत करियो, फिर मेरे पापा मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे यार, मैं फेल हो गई, बोल तो रिप्लाई तो दे, पापा कौन सी बुक पढ़ू मैं, क्या पढ़ूं पापा मैं,
पापा बताओ ना, पापा को देख के देखो पापा खुश थोड़ी हो जाएंगे। यार सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट में फेल हुई, री टेस्ट हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तू सैड है? अरे सही बात नहीं है, पापा बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग वाला, जैसे जब तुम्हें तंग करते जब मैं वैसे गुस्सा होती हूँ, उससे भी ज्यादा, उससे भी ना मुझे जी मजे एक रूम है तो है ना मम्मी लावने सच में फेल हो गई यार, सिर्फ तीन सब्जेक्ट में मतलब तीन में पास हूँ। है मम्मी यार छोड़ दो, मम्मी को क्यों, मम्मी तो क्यों पूछ रहा है, मम्मी गुस्सा आ जाएंगी। हाँ कल स्कूल चलूंगी, रो रहा है क्यों? दिखा दे रहा अपना क्यों? अरे प्रैंक कर रही हूँ यार फ्रेंड, सॉरी वो रोने लग गया यार, प्रैंक कर रही हूँ मतलब फेल बहन हुई, रो भाई रहा है, पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो वो तो समझ जाओ रो रहे हो यार। अपने दो शक्ल दिखा अपनी दोस्तों को यार, मैं तो प्रैंक कर रही थी खुश हो गया यहाँ फ्रेंड्स वो इस बात के लिए सैड नहीं है कि मैं फेल हो गई, उसे ये प्रॉब्लम है कि तेरी वजह से पापा को गुस्सा आ गया। दोस्तों को बता फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी है ना तो लाइक करना। ओ यार सॉरी फ्रेंड्स, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये फ़ोन गिरता ही जा रहा है, वो क्या फिल्टर चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स चल सर क्या ये चूगला, तो फ्रेंड्स सीरियस दे गया, मतलब इतना सीरियस तो मेरे किसी कोई भी मेरे प्रैंक को नहीं लेके गया, बट मैं सच में फेल हो गई। आपको गुस्सा नहीं है क्योंकि सिर्फ मैं दो ही सब्जेक्ट में फेल हूँ, तीसरे में रह गई, मतलब दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको गुस्सा नहीं है। एक मेरा आई टी में बहुत अच्छे हैं, कुछ ने हिंदी में बहुत अच्छे, दोनों में सिर्फ एक हिंदी पता है, उसमें गुस्सा नहीं है, दो ही सब्जेक्ट में फेल हुई हूँ और वो भी सिर्फ एक एक नंबर से। सच्ची में अब प्रैंक नहीं, अब सीरियस है। हाँ दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। रुक जाना फ्रेंड्स वो रो रहा है कि इसने हमको झूठ बोला। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको मजा आया हो और मैं सही में फेल नहीं हुई हूँ, कहीं मेरे को फेलियर मानो नहीं। और हाँ सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है, लाइक करना वीडियो को और बेल भी बजा देना और शेयर तो कर ही देना यार।